Let's improve English. उसका कुछ नहीं हो सकता इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं कहने को तो बड़ा ही शॉर्ट सा सेंटेंस है है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाता क्या हम कहेंगे नथिंग कैन हैपन टू हिम नहीं ऐसे तो नहीं कह सकते उसका तो मतलब होगा कि उसे कुछ नुकसान नहीं होगा उसे कुछ हानि नहीं होगी उसे कुछ नहीं होगा मगर उसका कुछ नहीं हो सकता इन द सेंस की वो सफल नहीं हो सकता कुछ नहीं होगा उसका वो कुछ करता धरता तो है नहीं इसके लिए हम कह सकते हैं ही इज अ लॉस्ट कॉज He 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 is is a a lost lost cause. cause, If someone doesn't doesn't seem to succeed. He doesn't seem to to succeed. be successful one day. तो कॉमन है स्पीकिंग है में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह के कमाल के फ्रेजेस, इडियम्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ आपकी वोकैबुल को इम्प्रूव करने वाला हूँ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपको मैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू अलग अलग चीजें सिखाऊंगा आप अपने इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो को देखने में तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी लॉस्ट कॉज का ये मीनिंग बताया है लेकिन इसका यूज सिर्फ इंसानों के के लिए लिए नहीं किसी भी चीज किया जा सकता है अगर कोई चीज लॉस्ट कॉज है इसका मतलब वो चीज बेकार है उसका कुछ नहीं हो सकता यूजलेस है वो काम नहीं आएगी और किसी एक्शन को करना अगर लॉस्ट कॉज है इसका मतलब वो करना बेकार है जैसे उसे खुश करने की कोशिश करना बेकार है Trying Trying to to make make her her happy happy is is a a lost lost cause. cause. It means कोई use नहीं है वो खुश नहीं होने वाली है जैसे अगर मैं कहूँ this calculator is a lost cause. इस कैलकुलेटर को अब कितना ही आप ठीक करने की कोशिश कर लो but it's a lost cause. अब ये काम नहीं आने वाला है अब ये ठीक नहीं होने वाला है तो फ्रेंड्स आप सीख गए कि लॉस्ट कॉज का यूज आप कैसे कर सकते हैं सिर्फ सेंटेंसेस को देखना नहीं है सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है बल्कि बाद में आपको खुद के सेंटेंसेस भी बनाने हैं तभी आपको याद रहेंगी चीजें उसने मेरी बात काट दी मैं कुछ कह रहा था बात काट दी उसने वो बोलते बोलते मेरी बात काट देता है ही कट मी ऑफ ही कट मी ऑफ दरअसल ये कट कट की सेकेंड फॉर्म है लेकिन कट 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 तीनों ही फॉर्म्स एक ही है उसने मेरी बात काट दी अगर इसको वैसे कहें तो हम कहेंगे ही डिडंट लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस ही डिडंट लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस ही इंटरप्टेड मी आई वाज टॉकिंग लेकिन नेचुरली स्पोकन इंग्लिश में एकदम शॉर्ट में हम कहेंगे He cut me off. वो बोलते बोलते मेरी बात काट देता है so, टॉकिंग कट के साथ ऐसा आ गया ही कट्स मी ऑफ आई एम टॉकिंग मैं एक नई गाड़ी खरीदने की सोच रहा हूं इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम थिंकिंग टू बाय अ न्यू कार आई एम थिंकिंग टू बाय अ न्यू कार यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं ये गलत है थिंक के साथ हम टू नहीं लगाते हैं थिंक अपने साथ या फिर ऑफ लेता है या फिर अबाउट आप कह सकते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग न्यू कार और आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग न्यू कार जहां पे ऑफ का मतलब है कि बस ऐसे ही मैं ख्याल कर रहा हूं सोच रहा हूं बस थोड़ा सा बस बस मन में ख्याल कर रहा हूं बस थोड़ा सा ही सोच रहा हूँ बस मन में कुछ ख्याल आ रहा है लेकिन अगर आप कहते हैं आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग न्यू कार इसका मतलब आप ढंग से बैठे हुए हैं और बहुत टाइम से सोचे जा रहे हैं बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं दैट यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग थिंक ऑफ समथिंग मतलब ऐसे ही शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा आप सोच रहे हैं थिंक अबाउट समथिंग मतलब काफी लंबे टाइम तक आप कुछ सोच रहे हैं थिंक के साथ टू तो बिल्कुल नहीं लगा सकते लेकिन अगर आपको टू लगाना ही है तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम लुकिंग टू बाई अ न्यू कार जी हाँ बिल्कुल लुक के साथ आप टू लगा सकते हैं यह फ्रेज है लुक टू डू समथिंग समबडी इज लुकिंग टू डू समथिंग मतलब कि वो कुछ करने की सोच रहा है ऐसा करने का प्लान कर रहा है जी हाँ हम प्लान का भी यूज कर सकते हैं आई एम प्लानिंग टू बाय न्यू कार आई एम प्लानिंग टू बाय न्यू कार वो मुझे ढूंढता हुआ यहां आ गया वो रोता हुआ वापस चला गया मैंने मुस्कुराते हुए उसे पैसे दे दिए इन सेंटेंसेस में आप क्या देख रहे हो एक बार में दो काम हो रहे हैं ढूंढता हुआ यहां आया यानी वो आया भी और साथ में ढूंढ भी रहा था वो रोया भी और साथ में चला गया उसने मुझे पैसे भी दिए और साथ में मुस्कुरा भी रहा था यानी मैंने मुस्कुराते हुए उसे पैसे दिए तो फ्रेंड्स जब आपको ऐसा बताना होता है कि एक काम को करते हुए किसी ने दूसरा काम किया तब हम वाइल का यूज करके वाइल के बाद वर्ब में आईएनजी लगा के कहते हैं लेकिन आप वाइल को हटा भी सकते हैं और ज्यादा नेचुरल साउंड करने के लिए कुछ जगहों पर आपको वाइल की जरूरत ही नहीं है जैसे यहाँ पर ही केम हेयर लुकिंग फॉर मी ही केम हेयर लुकिंग फॉर मी यानी मुझे ढूंढते ढूंढते मुझे ढूंढता हुआ वो यहां आ गया ही फॉर मी वो रोता हुआ वापस चला गया ही वैन बैक वीपिंग ही वैन बैक वीपिंग मैंने मुस्कुराते हुए उसे पैसे दे दिए आई गेव हेम द मनी स्माइलिंग आई गेव हेम द मनी स्माइलिंग यानी मैंने कुछ किया ऐसा करते हुए तो जो भी करते हुए उसमें आपको आई एन जी लगा देना बस वेरी सिंपल इजेंटेड खाना खाने के बाद मुझे बहुत नींद आ जाती है इंग्लिश में कहेंगे आई गेट रियली स्लीपी आफ्टर ईडिंग फूड आई गेट रियली स्लीपी स्लीपी एडजेक्टिव यानी मैं स्लीपी हो जाता हूं मुझे नींद आने लगती है आफ्टर ईडिंग फूड इस सेंटेंस को देखिए वो फिल्म देखकर मुझे नींद आ गई आई फेल्ट स्लीपी आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी इसको ऐसे भी कह सकते हैं दैट मूवी मेड मी फील स्लीपी दैट मूवी मेड मी फील स्लीपी मुझे तुम्हारे कितने देने हैं मैं पैसों की बात कर रहा हूँ कितने देने हैं मुझे तुम्हारे काफ़ी शॉर्ट सी बात है लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग हो जाती है कभी कभी लोगों के लिए इसे कहेंगे हाउ मच मनी डू आई हैव टू गिव यू हाउ मच मनी डू आई हैव टू गिव यू इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली सही है एकदम सही तरीका है लेकिन नेचुरल नहीं है बहुत लॉन्ग हो जाता है इसको शॉर्ट में और नेचुरली आप कह सकते हैं हाउ मच डू आई ओ यू हाउ मच डू आई ओ यू यानी कि मुझे तुम्हारे कितने देने हैं ओ का मतलब होता है अगर कोई ओ करता है मतलब उसे किसी को कुछ देना है इसमें बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओ मतलब लेना है कि देना है तो फ्रेंड्स आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो ओ के ऊपर ही बनाई हुई है उस वीडियो में मैंने बताया है कि ओ को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कंफ्यूज कैसे नहीं होना है आप उस वीडियो को देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और फ्रेंड्स ये वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही है तो अभी तक आपने लाइक क्यों नहीं किया है लाइक किया है तो थैंक यू वेरी मच अगर नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए तुम अपने मुंह पर ताला क्यों नहीं लगा लेते वायर डोंट यू जस्ट जिप योर लिप वायर डोंट यू जस्ट जिप योर लिप जिप योर लिप ये एक ईडियम है इसका मतलब मुंह पर ताला क्यों नहीं लगा लेते मुंह बंद क्यों नहीं कर लेते अपनी चोंच बंद क्यों नहीं कर लेते अब इंग्लिश में ये एडियम है जेपियोलिप अब हिंदी में हम किस किस तरीके से इस बात को कहते हैं आप कोई भी बात को इससे कनेक्ट कर दीजिए बस इंग्लिश में एडियम है जिप लिप। कहने का मतलब है हिंदी की बात को हमें एक्सप्रेस करना है हम क्या कहना चाहते हैं और इंग्लिश में उसे एक्सप्रेस करने के लिए इक्विवेलेंट या बिल्कुल उसके क्लोज कौन सा एडीएम है कौन सा फ्रेज है उसका हम यूज कर सकते हैं अपने मुंह पर ताला क्यों नहीं लगा लेते वायर ऑनडी जस्ट जेपियोलेप तुम अपने चोच बंद करो अपना मुंह बंद करो अब ये नहीं सोचेंगे हम कि मुंह पर ताला लगाना तो कुछ और है, चोच बंद करना कुछ और है मतलब तो वही निकल रहा है ना अपनी चोच बंद करो मुंह पर ताला लगा लो चुप हो जाओ तो इसमें भी हम कहेंगे Zip your लिप या फिर shut योर माउथ जो कि बहुत ही सिंपल और काफी कॉमन है शर्ट योर माउथ जेपियोर लिप जस्ट शट आप हम ऐसे बोलते हैं तो so फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो लेसन मैं इस तरह के वीडियो लेसन अपलोड करता रहता हूँ आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो so फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में केयर एंड बाय